आइए, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में, देखें और सीखे द नीटिंग चैनल में। मैं आज आपके लिए फिर से देखिए स्वेटर डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये डिज़ाइन ऐसा है, आप समर विंटर दोनों में भी आप ये बना सकती हैं। ये 4 रो का डिज़ाइन है, तो चलिए इसे मैं शुरू करती हूँ। और ये आपके 4 के मल्टीपल में डिज़ाइन डलेंगे और 2 एक्स्ट्रा मैंने लिया हुआ है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं ये डिज़ाइन को बनाना। जब आप बॉर्डर बना लें तो पहली लाइन हम सीधी बनाएंगे। एक फंदा पहले मैं उतार लूँगी और सारे फंदों को सीधा बुनना है इसी तरह से। ये लाइन पूरी मैं सीधी बनाऊंगी। तो चलिए ये लाइन सीधी करके मैं बताती हूँ आपको। तो हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई सीधी साइड। अब हम आ गए बैक साइड, सेकंड रो। सेकंड रो में हमें क्या करना, सारे फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। पहला फंदा हम उतार लेंगे और सारे फंदों को हम उल्टा बुनेंगे इस तरह से। सारे फंदों को हम उल्टा बुनाई कर लेंगे, सारे फंदों को उल्टा बुनेंगे। उल्टा बुनने के बाद मैं बताती हूँ। हमारी ये सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गई। अब हम आ गए राइट साइड, यानी हमारी थर्ड रो है ये तीसरी लाइन। तो इसमें हमें क्या करना है, अब यहाँ से हमारी डिजाइन डलेगी। ये हमारी तीसरी रो है, तो पहला फंदा हम उतार लेंगे और ये जो 2 फंदे हैं, 1 2, इन दोनों को मैं एक साथ बुनूंगी इस तरह से। 2 फंदों को एक साथ बुनाई करेंगे। अब धागा आगे लाएंगे। आगे लाने के बाद हमें सिलाई पे 2 बार धागा लपेटना है। एक बार तो ऐसा है, एक बार लपेटेंगे इस तरह से। और ये अगला जो 2 फंदा है, 1 2, दोनों फंदों को हम इस तरह से उतारेंगे। देखिए जैसे हम बुनाई करते हैं सीधा, उस तरह से उतारना है इस तरह से। और हमें इसे पीछे की ओर से बुनना है। तो ये जो सिलाई है लेफ्ट वाली, इसे हम इस तरह से करेंगे और धागा हमारा आगे ही रहेगा। और इसे हम इस तरह से घुमाते हुए से बुनाई कर लेंगे इस तरह से। फिर अगले 2 फंदों को 1 2, 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे सीधा इस तरह से। 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, फिर धागा हम 2 बार लपेटेंगे, सॉरी 1 बार लपेटेंगे अपनी तरफ करके इस तरह से। सिलाई पे एक बार और चढ़ाएंगे और ये 2 जो फंदे हैं, 1 2, इसे हम इस तरह से चढ़ाएंगे, 1 और 2, और इसे ये लेफ्ट वाले नीडल पे इस तरह से चढ़ाते हुए इसे हम बैक की तरफ से इसे सीधा बुनेंगे हम। अगले 2 फंदों को हमें फिर उसी तरह से करना है, 2 को हम एक साथ बुनाई करेंगे, फिर धागा अपनी ओर करेंगे और सिलाई पे एक बार और धागा लपेटेंगे। फिर 2 फंदों को उतारेंगे इस तरह से सीधा करके, 1 और 2, ये लेफ्ट वाले नीडल से हम इस तरह से करेंगे और पीछे की ओर से इसे हम सीधा बुन लेंगे इस तरह से। फिर अगले 2 फंदों को हम इसे सीधा ही बुनेंगे, देखिए। फिर हमें धागा लपेटना है, 1, फिर इधर घुमाएंगे, ये हो गया। अब इन 2 फंदों को फिर से हम उतारेंगे इस तरह से। उतारने के बाद ये लेफ्ट वाला नीडिल इस फंदे के ऊपर चढ़ाना और बैक साइड से सीधा बुनेंगे हम इसे। और लास्ट वाला जो फंदा है, इसे हम सीधा ही बुन लेंगे। तो चलिए बैक साइड से कैसे बुनना है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला फंदा हम उतार लेंगे, उसके बाद इसे उल्टा बुनेंगे। देखिए यहाँ 2 जाली दिख रही है, जाली जैसे जो हमने फंदे बढ़ाए हुए थे, 1 2, तो इसे पहले वाले को हम उल्टा बुनेंगे और दूसरे वाले को हम बैक से उल्टा बुनेंगे। देखिए इस तरह से, इस तरह से करते हुए ये जो राइट वाला नीडल है, हम पीछे की ओर ले जाते हुए इसे उल्टा बुनेंगे इस तरह से। फिर अगले 2 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे नॉर्मली। फिर ये देखिए हमारा 2 जाली जैसा दिख रहा है जिसने हमें बढ़ाया हुआ था। ये फले फंदे को हम इस तरह से बुन लेंगे। अब इसे हम बैक साइड से इस तरह से धागा को कर लेंगे और इस तरह से बैक साइड से हम इसे उल्टा बुनेंगे। जहाँ जहाँ हमने फंदे बढ़ाए हैं हमें उसी तरह से बनाना है।
पहला तो फंदा हम उल्टा ही नॉर्मल ही बुन लेंगे, दूसरा वाला फंदा को हम बैक साइड से बनेंगे इस तरह से। देखिए बैक साइड से उल्टा बनाना है हमें, ये पूरी लाइन हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है। फिर से बैक साइड से इसे बुनेंगे इस तरह से। देखिए नॉर्मली सारे दोनों फंदों को उल्टा बुन लेंगे। चलिए अब हमें क्या करना है, जैसे हमने फर्स्ट लाइन में की थी बॉर्डर बनाने के बाद पहली लाइन सीधी फिर दूसरी उल्टी, तो फिर हम पहली लाइन सीधी बुनाएंगे दूसरी लाइन उल्टी, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको। पहला फंदा हम इसे उतार लेंगे और सारे फंदों को हम इसी तरह से सीधा बनाएंगे। दूसरी लाइन हम इसे पहला फंदा उतार लेंगे और इसे भी हम पूरी लाइन उल्टा ही बुनेंगे। इसी तरह से पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। तो देखिए हमारी ये सेकंड लाइन भी कंप्लीट हो गई। अब हम आ गए थर्ड लाइन पे। थर्ड लाइन पे यानी राइट साइड। राइट साइड हमें क्या करना है, देखिए हमारे सब डिज़ाइन अब यहाँ है। तब अब जो ये डिज़ाइन है अब यहाँ बीच में डलेगी यहाँ पे, तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहला फंदा हम उतार लेंगे देखिए और धागा अपनी ओर करेंगे और एक साथ दो फंदों को हम बुनाई कर देंगे इस तरह से। बैक साइड से इस तरह से लेंगे इसे इस तरह से और इसको इस तरह से बुनाई कर देंगे हम। इस तरह से इसे उतारेंगे और इस वाले नीडल पे चढ़ाना है हमें और इधर से हमें ये एक बार ही जाली बनाएंगे हम इसमें। अब ये दो फंदों को एक साथ बुनाई कर देंगे हम। अब हमें क्या करना है, जैसे मैं पहले बनाई थी उसी तरह से बनाऊंगी। एक बार धागा लपेटेंगे फिर एक बार और घुमा के इधर लाएंगे। अब इन दो फंदों को हम फिर से इस तरह से उतारेंगे जैसे मैंने पहली बार किया हुआ था, उसी तरह से करना है। बैक से बुनेंगे उसके बाद ये दोनों फंदों को एक साथ बुनेंगे, फिर ये जो है फिर धागा अपनी ओर करेंगे और सिलाई पे इस तरह से धागा चढ़ा लेना है और ये दो फंदों को हम इस तरह से करेंगे देखिए। और ये जो लेफ्ट वाला नीडल है इस पर हम इस तरह से डालेंगे देखिए, और इसे धागा अपनी ओर ही रहेगा, इधर से हम इसे सीधा बुन लेंगे बैक साइड से। अगले दो फंदों को हम इसी तरह से करेंगे, सीधा बुनना है फिर धागा लपेटना है हमें इस पर, फिर अगले दो फंदों को इस तरह से खोलेंगे और उसके बाद ये दोनों को इस तरह से करते हुए बैक साइड से सीधा बुन लेंगे, इन दोनों को एक साथ बुन लेंगे और लास्ट में जो एक बच गया इसे भी हम सीधा ही बुन लेंगे। तो देखिए ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनेगी। ये जितनी बड़ी बनती जाएगी तो ये खूबसूरत लगती जाएगी। तो मैं थोड़ा सा बना के रखी हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए डिज़ाइन ये आपकी ये इस तरह से बन के आएगी, बहुत ही खूबसूरत लगेगा यह डिज़ाइन जब आप बनाएंगी। तो चलिए बनाइए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह कैसा लगा। फिर मैं कुछ नया वीडियो लेके आती हूँ आपके सामने। थैंक यू।